हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश, आपका होस्ट और दोस्त। आप सभी को स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल आर्ज स्टूडियो पर। ऑन बिहाफ ऑफ आर्ज स्टूडियो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ इस दुर्गा पूजा की। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। नवरात्रि का नौवां दिन यानी महानवमी है, तो आज का दिन घर में कुछ विशेष खाना बनता है। तो मैं और मेरी माँ कुछ विशेष खाना बनाएंगे। तो एक है पनीर छोला रेसिपी, दूसरा है सूजी का पायस और तीसरा गर्मा गर्म पूड़िया। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक आबली चूना भिंगो पे रखा हुआ था, तो इसको अच्छे से साफ पानी में धो के प्रेशर कुकर में दिया हुआ है। और इसके साथ कुछ लवंग भी डाल रहे हैं, कुछ लवंग, तेजपत्ता और छोटा इलायची, और इसके साथ जो बड़ा इलायची के दाना है उसको भी इसमें दे देंगे और कुछ नमक इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, एक और चीज़ इसमें हम लोग ऐड करेंगे वो है चाय के पत्ती को एक कपड़े में बांध कर उसको अच्छे से टाइट से बांध के इसमें हम लोग देंगे, ताकि इसका जो कलर है तो इसमें मिक्स हो सके। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिए वीडियो, आगे देखते क्या क्या और होता है। बेसिकली दोस्तों, ये पनीर छोले बनाने के लिए इसमें जो जो मसाला पड़ता है वो लहसुन है, अदरक है, गोटा जीरा है, और इसमें लवंग भी ऐड होगा बाद में, और सूखा मिर्चा जो लाल मिर्च होता है वो हम लोग एक साथ मिक्सी में क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक टमाटर लेंगे, उस टमाटर को भी इसमें
दोस्तों ये जो काबली छोला प्रेशर कुकर में दिया था इसको हम लोग उतार लिए हैं, अब चेक कर लेंगे ये ठीक से बॉयल हुआ है कि नहीं। हाँ जी हाँ, ये बॉयल हो चुका है। तो इसके साथ जो हम लोग चाय के पत्ती डाले थे उसको हम लोग अब निकाल लेंगे और इसको एक अलग बर्तन में छान के रख लेंगे और इस पानी को अलग से रख लेंगे, बाद में इसके साथ मिक्स करेंगे। Thank you.
दोस्तों सूजी को घी से मिक्स करके अच्छा से भून लेना पड़ेगा। तो उसको भूनने के बाद ये जो दूध है वो स्टोव में बैठाया है, तो वो भुना हुआ जो सूजी है अब दूध में डाल देंगे। तो पायस के लिए जो जो उपकरण का दरकार है, जैसे काजू, किशमिश, लवंग, इलायची, तेज़पत्ता, सब उसमें डाल देंगे। डालकर अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके कुछ देर के लिए धीमी आंच में छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए। हम लोगों का सूजी का जो है वो लगभग तैयार हो गया है। अब इसको थोड़े देर बाद हम लोग उतार लेंगे। ये जो पनीर हम लोग लेके आए थे, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड पनीर है रेड काउ कंपनी का, तो इसको हम लोग पीस कर लेंगे। ये जो पीस किया हुआ पनीर है इसको सादा तेल में थोड़ा देर भूंज लेंगे, ताकि इसका जो अंदर में जो नरमाहट है वो तकाड़ी में देने के बाद टूट ना जाए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा
हल्का आंच में भूज लेंगे। प्याज जो अलग से किसे काट के रखा हुआ था उसको तेल में भूज लेंगे। उसी में हम लोग वो जो मसाला पीस के रखे थे वो डाल लेंगे और इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। दोस्तों हम लोगों का ये पनीर छोला भटूरा का ये जो मसाला है ये देखिए इसका कलर और इसका ग्रेवी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये मसाला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो छोले भिंगा के उबाल के रखे थे इसमें हम लोग डाल देंगे।
दोस्तों ये देखिए हम लोग का पनीर छोला भटूरे बन के तैयार है। इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर बनाइए इसी तरीक़े से और बना के हम लोगों को कमेंट कर बताइए कि कैसा बना। ये वीडियो बहुत ही लंबा होना है तो दोस्तों थोड़ा धीरज पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैदा सान के रेडी हो गया था तो अब पूड़िया बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नमकीन पूड़िया है तो आप लोग भी ऐसे ये जो रेसिपी तीन रेसिपी आज बना है आप लोग भी ट्राई कीजिए और करके हम लोग को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। हर बार पूरी जब भी बनता है तो लास्ट में हम उस जो मैदा माखा हुआ रहता है उसमें से कुछ मैदा से हम जो नमकीन होता है नमकीन पाड़े होते हैं वो बनाते हैं, तो इस बार भी मैंने वैसे ही किया है। ये देखिए मेरे हाथ का ये नमकीन बहुत ही खस्ता ताज़ा और बहुत ही डिलीशियस है, क्रंची भी है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये नमकीन। जी दोस्तों सुबह से जिसके लिए हम लोग लगे थे ये जो आज का नवमी स्पेशल जो खाना है ये बनकर पूरा तैयार है। तीनों आइटम ये पनीर मटर मसाला या पनीर चना मसाला जो भी कहे उसके साथ, ये देखिए कलर पनीर कितना अच्छा लग रहा है देखने को, चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग भी घर में ऐसे बनाइए आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये पूड़िया देखिए और सूजी का जो पायस था वो भी देखिए, हालांकि वो थोड़ा ठंडा हो जाने से पूरा जम गया है फिर भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, मैंने टेस्ट करके देखा है सभी चीज़। आप लोग भी बनाइए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा।